कि 8,000 सिंगर में पटना से जब पहली बार चुरा के आया, इसके आंखों में खुशी की आंसू थी। हमारे पास फोन लगाकर ये जो है कि रोने लगा। हम कह के रोते क्यों, खुशी के आंसू है, चूँकि हमारे पास उतनी पूंजी नहीं थी कि मैं व्यवस्था नहीं दे सका। नाचने गाने वाला क्या करेगा, एक मास्टर का बेटा। हाँ, लेकिन हमको बेटा दिखा दिया कि नाचने गाने वाला क्या करता। माई बिन के हुए सहाय न होई हो। नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। विजेता अभी तो नहीं बने हैं, मगर 8 राउंड तक विजेता जरूर बन गए हैं। और आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जो नशा था कि हमें भोजपुरी गायक बनना है। अब पढ़ने में भी काफ़ी तेज थे, मगर एक सरकारी स्कूल के मास्टर के बेटा भोजपुरी गाना गाने लगे तो सर को क्या होगा, आप सोच लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है चाचा जी, क्योंकि आप एक सरकारी टीचर भी हैं और एक इंग्लिश के टीचर भी हैं। मेरा द्वितीय सुपुत्र अंकित कुमार, सबसे पहले तो मैं आपको जो है कि धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे घर आए, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को शुक्रिया। और मेरा द्वितीय सुपुत्र अंकित कुमार जो है कि शुरू से ही भोजपुरी, हमारे यहाँ तो कोई भोजपुरी की बोलता भी नहीं है। जी जी। न जो है कि से हमारे ससुराल में न जो है कि यहाँ कोई बोलता है, लेकिन ये कैसे न जाने कैसे इसके रुचि जगा कि भोजपुरी के सिंगर जो है कि बनना प्रारंभ कर दिया। इसको जो है कि इंटरेस्ट जगा, उसमें जो है कि अच्छा गया तो इसको हौसला बढ़ते गया। और इसको शुरू से ही जो था कि महामंच हमको मिले, उस तरह के मंच मिल नहीं पा रहा था इधर इधर, लोगों का जो है कि उतना व्यवस्था नहीं थी। लेकिन वहाँ जो है कि जब सुर संग्राम में गया और जो है कि 8,000 सिंगर में पटना से जब पहली बार चुरा के आया, इसके आंखों में खुशी की आंसू थी। हमारे पास फोन लगाकर ये जो है कि रोने लगा। हम कह के रोते क्यों, खुशी के आंसू है, चूँकि हमारे पास उतनी पूंजी नहीं थी कि मैं व्यवस्था नहीं दे सका, मैं इसको पढ़ा नहीं सका, आगे बढ़ा नहीं सका। लेकिन फिर भी ये हौसला बुलंद करते हुए ये महामंच को प्राप्त कर लिया, इसके लिए बहुत बहुत उपलब्धि हासिल हुआ है। इसके लिए मैं सब परिवार बहुत खुशी हैं और ये जो है कि आगे बढ़े, यही मेरी कामना है। सुर संग्राम की विजेता जीत करके आए, यही मेरी कामना है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ अंकित जी भी रोने लगे हैं और यहाँ पापा भी रोने लगे हैं और यहाँ चाची भी रोने लगे हैं। मगर चाची, मैं भी आपका एक बेटा हूँ, मैं भी एक टीचर हूँ, तो मैं अपना कर्म कभी नहीं भूलता हूँ। बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। मगर आप हमसे बड़े भी हैं, चाचा समान हैं, पिता समान भी है, तो पैर छू के ज़रूर हम आपको प्रणाम करेंगे, क्योंकि मेरा एक कर्म है। क्योंकि जब भी मैं न्यूज़ बनाता हूँ तो ज़रूर बोलता हूँ कि बिहारी बाबू चैनल में आपका स्वागत है और बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। तो एक इंग्लिश में एक कंडीशन है, क्योंकि सर भी एक इंग्लिश में बहुत ही अच्छे टीचर हैं इंग्लिश का, तो मे यू कम आउट विथ फ्लाइंग कलर। जिस तरह से 7 कलर खेलते हैं ना, उसी तरह से अंकित बाबू भी खेलते रहें और लहराते रहें रफीगंज का झंडा और औरंगाबाद जिला का और पूरे बिहार का। तो चलिए अंकित जी, यहाँ रो रहे थे, पापा जी भी रो रहे थे, मगर एक शिक्षक का बेटा जब भोजपुरी गाना गाने लगता है तो क्या इनके ऊपर बीतता है। मगर इनको आज इतना जोश आ गया कि इन्होंने बोला कि मेरे पास एक पैसा भी नहीं था कि इसको हम मुंबई में भेजे कि बेटा तुम ये खर्च कर लो, मगर आज किसी तरह से जोड़ जाड़ के आज अपने एक अच्छा घर बनाए हैं, एक अच्छा मुकाम बनाए हैं। और एक भोजपुरी को जो गंदा करते थे ना, आज देख लो भाई कि एक भोजपुरी को एक अच्छा बेहतर दिया है, क्योंकि भोजपुरी पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, मगर कुछ जो है ना चिलर वाले जो भोजपुरी को गंदा कर दिए हैं। चाची, आप क्या बताएंगे कि आपके बेटा जो है मुंबई से आए हुए हैं और आपका बेटा जो है से काफ़ी जीता हुआ है, समझिए कि जीत लिए हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, आशीर्वाद देंगे या नहीं देंगे? नहीं, आशीर्वाद देंगे कि आशीर्वाद तो माता रानी इसी का तो बधाई, हम वैष्णो देवी गए, अच्छा छठ किए, अच्छा। मेरे के यहाँ कुछ हादसा हो गया, उसमें भी हम नहीं माने कि नहीं इतना हमको बेटा मुकाम हासिल किया है तो हम किसी भी तरह से भगवान को हम नेह लगाएंगे कि और आगे से आगे जाए। इसके लिए हम दुआ करते रहते हैं कि थोड़ा सा लोगों बदनाम कर दिए, उसके लिए हमको भी दिल में रहता था, लेकिन जब सुने कि हमको बेटा इतना बड़ा मंच पर चला गया तो बहुत खुशी हुआ
कि जो कहने वाले को मुंह में कारिख लग गया, सही बात है, और मेरा बेटा आगे बढ़ गया। बहुत सारे हम लोग को ताड़ना देते थे कि अच्छा ताड़ना आपको क्या मिलता था उसमें कुछ बताइए आप। ताड़ना देते थे कि इसे नाचने गाने वाला क्या करेगा, एक मास्टर का बेटा। हाँ, लेकिन हमको बेटा दिखा दिया कि नाचने गाने वाला क्या करता है। अब समझ में आ गया कि कला का क्या इमेज होता है और क्या इसको रेट होता है। इसका कोई रेट नहीं होता है, होता है। जज कलेक्टर तो सब कोई बन जाता है, लेकिन ये सरस्वती का देन है मेरा बेटा का, कि भगवान का देन है कि हमारा बेटा इतना ऊंचा पर हासिल किया, इतना मुकाम हासिल किया है। इसके लिए मेरा बहुत गर्व रहता है और हम अपने आप को बहुत खुशहाल समझता हूँ कि मेरा ऐसा बेटा हुआ। जी चलिए, हाँ। बहुत बहुत बढ़िया। हाँ। अंकित जी यहाँ पर देखेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे अपने मम्मी और पापा के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए, और जो आपके श्रोतागण हैं, जो आपको देखते हैं, जो आपको प्यार देते हैं। देखिए, कभी भी मैं जब स्टार्ट किया था तो माता पिता का आशीर्वाद मिला था और आजीवन मिलता है। और जब भी मैं गाना सुर संग्राम के मंच पर स्टार्ट करता था तो माता पिता और गुरु भगवान को ही याद करके जाते थे हम, और वो अपने आप में वो गाना बहुत अच्छा होता था। अच्छा, आप माता और पिता के लिए और लोगों के लिए एक अच्छा बेहतर गाना गाइए जो भक्तिमय हो। माँ के लिए मैं गाना चाहूँगा कि जग में माई बिन के हुए सहई न होई हो, सहई न होई केहू कतनो दुलारी बाकी माई न होई। ये जग में माता पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता है, बस मैं यही जान। चलिए दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं, और मैं आपको एक और लाइन आपको बता दूं कि मैं अपने उम्र में अभी तक मैं रोज़ अपने मम्मी और पापा को प्रणाम करता हूं, अपने माता पिता को डेली, ये मेरा दिनचर्या है। क्योंकि मैं सुबह उठने के बाद धरती माँ को प्रणाम करना, कुछ मंत्र करना, और उसके बाद माता पिता को भी प्रणाम करना। तो ये गुरु जी हैं और हम भी एक टीचर हैं। फ़र्क ये है कि ये सरकारी है, मैं खुद अपना स्कूल चलाता हूँ। मगर हम आपको अंकित जी, आप आज से हम आपको एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं, सर जी बताएं या ना हो, या बताएं भी होंगे तो आप नहीं करते होंगे, मगर एक दोस्त खातिर और एक स्नेह प्रेम के लिए और अपने मम्मी पापा के लिए कि रोज़ कहीं भी रहें मगर अपनी मामा और पिताजी को पैर ज़रूर छूइएगा। मैं हमेशा करता हूँ, एकदम निश्चित डेली छूइए। और इससे बड़ा कोई इस दुनिया में भगवान नहीं है, सबसे बड़ा भगवान माता और पिता है। जिस दिन से आप माता पिता को डेली प्रणाम करने लीजिएगा, उस दिन से आपको कोई दुनिया में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। आपको जो रोकेगा ना, तो दुनिया याद रखेगा। माता पिता का आशीर्वाद से ही आज हम यहाँ तक हैं, नहीं तो हम पूछेंगे डेली चाचा से, क्योंकि हम इनके स्कूल तक पहुंच जाएंगे। आपको पता है कि हम सरकारी स्कूल को सबसे ज़्यादा दिखाते हैं, और हमको मज़ा आ गया कि इंग्लिश टीचर है तो और मज़ा आ गया, है कि नहीं चौहान जी? क्योंकि इंग्लिश टीचर वाले को हम लोग ज़्यादा इम्प्रेस करते हैं कि कुछ ऐसा वर्ड बच्चों को सरकारी स्कूल को सिखाइए जिसमें नाम हो सरकारी स्कूल के बच्चे को और आपका नाम हो। तो हम इनके स्कूल में ज़रूर पहुँचेंगे और फ़ोन करके पूछ देंगे कि प्रणाम डेली होता है कि नहीं। नहीं तो सोच लीजिए, अगर पकड़ा जाइएगा तो हम कह देंगे तुरंत, ठीक है? संगीत में ऐसा एक है, हाँ हाँ। संस्कार जो है कि इसमें बरकरार है, जी जी। हम कहेंगे संगीत के माध्यम से संस्कार लोगों को जो है कि सीखने का प्रेरणा मिलता है, जी जी। ये बहुत अच्छी सबसे बड़ी उपलब्धि है, और जो है कि हम कहेंगे कि लोग रुचि के अनुसार जो जिसमें रुचि हो उसमें आगे बढ़ने देना चाहिए, रुकावट नहीं आना चाहिए। ये मैंने सीखा इससे, अच्छा अच्छा, समझे ना, बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो है कि देखिए दोस्तों, आपको मैं पिता बता दूं, एक पिता समान होते हुए एक पिताजी हैं, और ये चाहते थे कि ये मेरा लड़का भी कोई अच्छा सरकारी जॉब करे, ये नहीं चाहते थे कि भोजपुरी सिंगर बने। मगर माता और पिता को ये सोचना चाहिए कि मेरा बेटा किस ओर जा रहा है। जिस ओर बच्चा अगर जाता है और वो कॉन्टेंट अगर अच्छा है तो उसके ऊपर आप भेजिए, क्योंकि वहीं पर वो विजेता बनेगा। और आप सोचिएगा कि मेरा बेटा रेलवे इंजीनियर बने,
रेलवे में जाए, इंजीनियर बने, ऑफिसर बने, और बेटा को मन कर रहा है कि सिंगर बने या और कुछ बने, बिजनेसमैन बने, मगर आप दोनों में तकरार होगा ना तो पता चलेगा कि दोनों में से कुछ नहीं बन पाया, कुछ नहीं है कि नहीं। इसलिए अपने बुद्धि के अनुसार आप दोनों ने निर्णय लिया कि नहीं बेटा तुम जाओ, जाओ, है कि नहीं। मगर आप जीत के जब वहाँ से आता है या 8 एपिसोड तक वहाँ से करके जब आते हैं तो माँ जो थी आरती उतार रही थी, आप ही आरती उतार रहे थे ना, और जो इनके चाहने वाले जो थे रफीगंज में उन लोग स्वागत कर रहे थे, कितना मन खुश हुआ होगा अंकित जी? बहुत अच्छा लगा, चूँकि 12-1 बजे रात तक लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे मुंबई मेल का। हाँ, क्या हुआ? और जैसे ही ट्रेन से मैं उतरा मैंने ये सरप्राइज था, लोग माला पहनाने शुरू कर दिया। ये प्यार कहाँ मिलेगा? नहीं, यही दूसरी जगह नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।